कैसे आपने हासिल करना है उसके बारे में हम सभी लोग जहाँ एकत्र हुए हैं। लड़ाई जब तक हम सब लोग एक साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे तब तक हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। सभी जो हमारे हक हैं संविधान में मौजूद हैं, पर संविधान की को लागू करना उनकी नीयत नहीं है। इसलिए हम सबको एकत्र होके जो हमने पार्टी बनाई है अशोक भारती जी ने जन समान पार्टी, उसके झंडे के नीचे रहकर हमने देश को अपनी गद्दी जो खोई हुई है उसको हमने हासिल करना है। सभी लोगों को हक मिलना चाहिए, रहने को मकान मिलना चाहिए, खाने को कपड़ा, पहनने को कपड़ा मिलना चाहिए, खाने को अन्न मिलना चाहिए। ये जो तीन बातें हैं, मूल बातें हैं, बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए, ये सभी लोग हमारा हक जो है मारते हैं। जो हमारे बीबी बोलकर अभी गई है, उसने बहुत बढ़िया शब्द बोले हैं, पढ़ाई बारे उन्होंने बोला है, हमारे बच्चों को आठवीं तक जो है पास कर देते हैं और उसको कुछ नहीं आता। जिस बच्चे को आठवीं तक कुछ नहीं आएगा वो आगे कैसे पढ़ेगा? वो तो थोड़ा संविधान हक जो खो रहा है। इसलिए जो गलत बातें हैं उसको हमने ख़त्म कराना है। वो कैसे कराएंगे? जब हम एकत्र होकर एक स्टेज पर हो गए, एक मुट्ठी बनकर लड़ेंगे तो फिर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सभी को जो हमारे उड़ीसा से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं वो लोग, और इतनी मेहनत से, इतनी दूर से आप इतना सफर तय करके आए हैं, तो सरकार को पता होना चाहिए कि हमारा जो मूल निवासी है वो जाग पड़ा है। अब इसको कोई भी थामने वाला नहीं है, अब हम आगे बढ़ते ही जाएंगे। अब जब चले हैं तो राज हम लेकर ही रहेंगे। पहले चलने से दिक्कत जरूर आती है, समय जरूर लगता है, मुश्किलें आती हैं, पर जो हिम्मती लोग हैं कभी अपना हौसला नहीं छोड़ते, वो आगे बढ़ते जाते हैं। और हमें आप लोगों से मिलकर और देखकर हमारे हौसले बुलंद आ गए हैं, हम हर मंजिल को पा सकते हैं। आप सब लोगों की हमें मदद चाहिए। जब लोग आप हमारे साथ हैं तो हमें किसी के डरने की लोड़ नहीं है। हम अपने जो भी खोए हुए हैं, जो भी हमने अपने खोए हुए हैं वो हम हासिल कर लेंगे। और आप ये ऐसे ही अशोक भारती जी का साथ देते रहेंगे। मैं अशोक भारती से पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ उनके साथ। ना जो ना बिकने वाले हैं, ना डरने वाले हैं, सिर्फ आगे बढ़ने वाले हैं। लड़ेंगे अशोक भारती जी, संघर्ष करो। जब पहले नेटवर्क माध्यम से ये काम करते थे तो बहुत ही बढ़िया काम करते थे। जो सरकार हमारे हकों को खो रही थी उसके बारे में उनको बता रहे थी कि हमारे लोगों को जो हक है वो खोने नहीं चाहिए, इसको देना चाहिए। जब बजट बनता था उसके बीच में उसमें क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए उसके बारे में गवर्नमेंट को सूचित करते थे, जानकारी देते थे भी ऐसा होना चाहिए, गरीबों को जय मिलना चाहिए, उसको जय मिलना चाहिए। ये बहुत काफ़ी देर से ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। तो जब 22-23 साल से हम देखते हैं नहीं बिके ना डरे, तो आगे कैसे बिक सकते हैं तो कैसे डरेंगे? इसलिए सभी लोग जितने भी हैं और अशोक भारती के झंडे के नीचे इकट्ठे हो जाओ और अपने गांव-गांव जाकर
अपने साथियों को संदेश दो कि जन समान पार्टी है, इसके झंडे हेठ ही हमने लड़ाई लड़नी है, तब हम जो देश की गति है उसको हासिल कर सकते हैं।